हाय गाइस, ये है माय 11 सर्कल फैंटेसी पिक ऑन ESPN क्रिकिनफो। सीरीज दाव पे है, 1-0 से इंडिया पीछे है, बट वी स्टिल हैव टू पिक अ फैंटेसी टीम जिसमें शायद ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस हो देन इंडियंस, यू नेवर नो। लेट्स फाइंड आउट विद दीप दास गुप्ता। तो भारत के पूर्व विकेटकीपर हमारे साथ तो है ही, और इसी के साथ हम हमारी प्रो टिप आपको बताते हैं, वो ये है कि ऋषभ पंत इन स्पाइट ऑफ बीइंग अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर कंकशन दीप, उनके लिए रिप्लेसमेंट बीसीसीआई ने अनाउंस नहीं किया है। तो उम्मीद ये है कि केएल राहुल इस मैच में विकेटकीपर बन जाए एंड दैट मेक्स हिम एन इवन मोर वैल्यूएबल फैंटेसी पिक। एब्सोल्युटली, क्योंकि कीपिंग तो वो करेंगे, अब देखने वाली बात ये होगी कि वो बैटिंग कौन से नंबर पे करते हैं। देख के लगता है कि विराट कोहली शायद दोबारा वो एक्सपेरिमेंट ना करें और खुद 3 नंबर पे आएँ, लेकिन जैसे आपने कहा केएल राहुल मुझे लगता है कि एक अच्छे वैल्यू पिक होंगे क्योंकि कीपिंग भी करेंगे, और साथ में आपने जैसे कहा कि केएल राहुल, क्योंकि ऋषभ पंत एक मैच के लिए उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है या बाहर रखा गया है, थर्ड ओडीआई के लिए फिर अवेलेबल हो जाएंगे तो रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन जिस तरह का रिजल्ट और जिस तरह की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया ने दी पहले मैच में, तो उम्मीद है हमारी टीम में कुछ ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस ही क्यों ना शामिल हो जाए। क्या दीप उससे सहमत होंगे या नहीं देखते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विथ आर टीम फॉर दिस मैच। और सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि माई 11 सर्कल ऐप पर आपके पास 100 क्रेडिट्स है जिसमें से आपको अपनी फैंटेसी टीम बनानी है। यू हैव टू पिक योर प्लेयर्स फ्रॉम 4 कैटेगरीज, वो है बैट्समैन, बॉलर्स, विकेट कीपर्स एंड ऑलराउंडर्स। आप ज्यादा से ज्यादा एक टीम से 7 प्लेयर ले सकते हैं। ये मैच तो राजकोट में खेला जाएगा, तो लेट्स मूव टू आर टॉप पिक्स एंड आर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइसेस। हमारे कप्तान चॉइस है डेविड वॉर्नर। जिस तरह की पारी, मैच विनिंग पारी उन्होंने खेली, मैन ऑफ द मैच थे डेविड वॉर्नर पिछले मैच में, तो काइंड ऑफ फॉर्म इज इन, और जो रिकॉर्ड है इंडिया का, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट डेविड वॉर्नर, तो ही इज आर कैप्टन फॉर दिस मैच। वाइस कैप्टन हमारे होंगे विराट कोहली। ये बड़ा दिलचस्प सिलेक्शन है क्योंकि विराट कोहली खुद किस नंबर पे बैटिंग करेंगे इस पे तो काफी चर्चा होनी चाहिए, एंड कैप्टन ने तो कहा था कि लास्ट मैच में कि एक मैच के बाद नॉट टू रश टू कंक्लूजन। और ध्यान से अपने कैप्टन वाइस कैप्टन को पिक कीजिए, दे गिव यू 2x एंड 1.5x द पॉइंट्स। हमारे टॉप पिक्स होंगे एरन फिंच, मिचेल स्टार्क एंड रोहित शर्मा। सबसे पहले एरन फिंच ने वॉर्नर के साथ एक बहुत ही कमाल की रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई, साथ ही मिचेल स्टार्क वॉज एक्सलेंट विद द न्यू बॉल एंड इन द मिडल ओवर्स एज वेल। और रोहित शर्मा, मिचेल स्टार्क के एक विकेट थे उस मैच में, लेकिन क्या इस बार वो, यू नो, इट्स आइदर नो हिट और बिग हिट फॉर रोहित, तो शायद इस मैच में ही विल फायर। लेट्स गो बिट बाय बिट दीप। कैप्टन चॉइस इज डेविड वॉर्नर। वाइस कैप्टन इफ इट्स विराट कोहली एट नंबर 4, क्या आप थोड़े रिलक्टेंट होंगे उसमें? थोड़े से रिलक्टेंट जरूर मैं रहूंगा क्योंकि विराट कोहली एट 4 ओके। और एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है, सबसे पहली बात कि हो कहां रहा है मैच, मैच हो रहा है राजकोट में, काफ़ी हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, तो वहाँ पे बॉलर्स के लिए मुश्किल है ज़्यादा, बैट्समैन के लिए थोड़ा आसान रहेगा, तो आप जितना ऊपर के क्रम के बल्लेबाज चुनेंगे उतना बेहतर है क्योंकि मौका ज़्यादा मिलेगा उनको। तो इसलिए विराट कोहली अगर 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं तो फिर मौके कम मिल सकते हैं उनको बैटिंग के, तो रन भी कम बनेंगे। उस हिसाब से मैं कहूँगा कि जो ऊपरी क्रम के हैं वो सेफ बेट हैं, जैसे डेविड वॉर्नर आपने कहा सेफ बेट हैं, ओपन ही करेंगे। और दूसरी तरफ अगर भारत की तरफ से अगर कोई दूसरा वाइस कैप्टन देखना है तो शायद रोहित। ओके, तो चलिए एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ, इस मैच के लिए हमारे कैप्टन चॉइस है डेविड वॉर्नर, वाइस कैप्टन है विराट कोहली, एंड आवर टॉप पिक्स आर एरन फिंच, मिचेल स्टार्क और रोहित शर्मा। कुछ वैल्यू पिक्स की तरफ बढ़ते हैं, और दीप ने जिस तरह से कहा कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन ऊपरी क्रम के बल्लेबाज को आप बैक कर सकते हैं एट राजकोट, तो शिखर धवन हमारे वैल्यू पिक्स में शामिल होंगे। ही गॉट सम मच नीडेड रन फॉर हिज ओन कॉन्फिडेंस इन द लास्ट मैच, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके कुछ रीसेंट मैचेस हम देखे, दे माइट हैव बीन स्प्रेड फ्यू एंड फार इन बिटवीन, बट वर्ल्ड कप में जिस तरह की पारी उन्होंने खेली, एंड ऑफ कोर्स ही लाइक्स द ऑजी अटैक शिखर धवन। साथ ही पैट कमिंस, यू थिंक द स्टैंड आउट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, एंड ही शोड हिज क्लास इन द लास्ट मैच एज वेल। तो ये हमारे वैल्यू पिक्स है। हमारी पूरी 11 पे नजर डालते हैं। एलेक्स कैरी है हमारे विकेट कीपर, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी जो चल रही है विकेट कीपिंग ऑप्शन पे। एरन फिंच, डेविड वॉर्नर, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, तो सारे ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हमने सिलेक्ट कर लिए विद एक्सेप्शन ऑफ केएल राहुल। ऑलराउंडर विल बी एस्टन एगार। दैट्स इंटरेस्टिंग, क्यों हमारी रिकमेंडेड टीम में आपको सिर्फ एस्टन एगार स्पिनर दिखाई देते हैं। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी, सो द स्ट्राइक बॉलर्स फ्रॉम बोथ टीम द पेसर्स। ये हमारी टीम आपको 98.5 क्रेडिट्स में मिल जाएगी, तो आपके पास 1.5 क्रेडिट्स बैलेंस बचेंगे। दीप दास गुप्ता, क्या आप इस टीम से सहमत है, क्या आप कोई और विकल्प देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, ऑलराउंडर के हिसाब से अगर मैं कहूँगा पैट कमिंस ऑलराउंड के हिसाब से आप खिला सकते हैं क्योंकि गेंदबाजी तो करेंगी, साथ में बल्लेबाजी भी निचले क्रम में सही, लेकिन वैल्यूबल रन जोड़ते हैं। साथ में बॉलिंग में
एडम जैम्पा जो है, he's bowled well against India always, right? He bowled well against India the last game as well. खासकर विराट कोहली के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करते, चार बार आउट किया विराट को उसने, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक एक स्पिनर आप रिस्क ले सकते हैं. कुलदीप को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे पिच पे जहाँ पे ज़्यादा मदद नहीं है वहाँ पे रिस्क स्पिनर्स जो हैं उनके पास विकल्प बढ़ जाते हैं, गुगली लेग स्पिन वगैरह. अगर स्पिनर डालना है और मेरे ख्याल से एक डाल सकते हैं आप, तो एक रिस्क स्पिनर डाल दें आप, कुलदीप या शायद एक सीमर के अगेंस्ट. आप क्या सजेस्ट करें कि शायद शमी के अगेंस्ट ज्यादा, शमी के, क्योंकि थोड़ा देख के पिछले मैच में लगा कि उस रिदम में नहीं है. बुमराह भी उस रिदम में नहीं दिखे. देखिए बुमराह को थोड़ा सा वक्त लगेगा, चोट से निकल के आए, तो एक आप डाल सकते हैं लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर आप. चलिए एक रिस्ट स्पिनर की जो रिकमेंडेशन है वो दीप की है. हमारी टीम तो आपने देख ही लिया. बहुत बहुत धन्यवाद दीप हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड दिस इज द टीम दैट वी हैव गिवन यू फॉर दिस गेम. लेकिन एक बार फिर प्लेइंग 11s को देख के ही अपनी फाइनल टीम, फैंटेसी टीम फाइनलाइज कीजिए, बिकॉज देयर कुड बी सम लास्ट मिनट चेंजेस. दिस वॉज अनदर एडिशन ऑफ माई 11 सर्कल फैंटेसी पिक ऑन ESPN Cricinfo.